नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। बबीना में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर अनेकों कार्यक्रम किए गए, जिसमें प्राचीन गणेश मंदिर पर 7 दिवसीय प्रसाद वितरण किया गया। 7वें दिन 56 भोग एवं राजभोग का प्रसाद वितरण किया गया। भंडारा गणेश मंदिर पर किया गया, जिसमें बबीना के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। समाज सेवी संस्था ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 56 भोग एवं राजभोग का प्रसाद वितरण किया। आइए जानते हैं सहयोगी समाज सेवी संस्था के। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं हजार क्या टाइम। इस समय मैं पहुंचा हूं श्याम भाट का मैरिज हॉल में, जहां पर जो 56 भोग का कार्यक्रम किया जा रहा था, पानी बरसने के कारण वहां पे कुछ कार्यक्रम नहीं हो पाए। गणेश मंदिर में जो हमारे बबीना के प्राचीन गणेश मंदिर है वहाँ पे कार्यक्रम होते थे, लेकिन जो 56 भोग का कार्यक्रम किया जा रहा है वो किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह लोगों के बीच भोज भगवान का प्रसाद जो है पहुँचता है, इसी बीच में सहयोगी सेवा की संस्था के संचालक हमारे साथ प्रिंस राज यादव जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रिंस जी, ये बताइए कि जो कार्यक्रम आपने किया है हर वर्ष की बाती, ये क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और ये प्रसाद जो आप यहाँ पे फैलाए हैं ये किस तरीके से बांटा जाता है? गणेश उत्सव का कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है हमारा, हर साल होता है, हर वर्ष की बात है। इस बार भी हमने उसी प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजन किया था, परंतु मौसम को देखते हुए कुछ प्रोग्राम पोस्टपोन करने पड़े, पर जो आज अंतिम दिन है तो हम ये राजभोग का वितरण करेंगे। इसी प्रकार ये राजभोग आज यहाँ पर श्याम भाटी का मैरिज गार्डन में पैक हो रहा है, जो शाम को गणेश मंदिर प्रांगण में वितरण किया जाएगा। जी, हम बात करें कि ये मिठाई तरह तरह की जो आपने बिछा रखी है ये क्या है? ये 56 वो आज जो सुबह गणेश भगवान को 56 भोग लगाया था, तो ये डिब्बों में 5-5 मिठाई प्रकार की, ये खस्ता, ये मटरी वगैरह, ये पैक करके पूरे एक किट बना के पर व्यक्ति को दिया जाएगा शाम को। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लोगों ने जो मिठाई के डब्बे पैक किए हैं, ये 56 प्रकार की मिठाइयाँ जो हैं भगवान को प्रसाद के रूप में लगाई गई है। अब इन डिब्बों की बात, इन डिब्बे के अंदर भी 56 भोग का प्रसाद पैक है। आप देखिए किस तरीके से समाज सेवी संस्था के जो संचालक हैं, जो अध्यक्ष हैं इसके, आइए और हम आपको दिखाते हैं पीछे की ओर। ये बढ़िया मतलब अच्छी केसर वाली खीर है और ये तरह तरह की मिठाइयाँ उन्होंने पैक कर दी हैं। एक खीर के डिब्बे हैं, यहाँ सब्जी के डिब्बे पैक हैं। पैकिंग बहुत मजबूती से की गई है और ये खुले हुए हैं, इसमें ये शायद लगता है कुछ अलग ही सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। और इसको कैसे आप बांटेंगे? इसको जिस हम एक व्यक्ति को 12 प्रकार के डिब्बे देंगे, जो एक किट में दिया जाएगा, जो सारे डिब्बे को एक एक करके एक किट बनाएंगे, मतलब एक किट आप बनाएंगे, पैकिंग बनाएंगे जिसमें 12 डिब्बों के अंदर क्या होगा हर एक डिब्बे। सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।